हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे सोने के पाउडर को गलाया जाता है ताकि कम से कम लॉस होए। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक कागज़ ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा ईटिंग सोडा डाल लीजिए। ईटिंग सोडा आपको कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अब आपका सोना का पाउडर इसके ऊपर डाल लीजिए। ये सोना ज्वेलरी छिलाई करने के बाद मिला है मुझे। अब थोड़ा सा बोरिक पाउडर इसके ऊपर डाल लीजिए। बोरिक पाउडर भी आपको कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा ईटिंग सोडा भी डाल लीजिए इसके ऊपर। अब आप सोने को ईटिंग सोडा और बोरिक पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा ईटिंग सोडा और बोरिक पाउडर और डाल लीजिए। बोरिक पाउडर और ईटिंग सोडा सोना को पकड़ के रखता है, तो इसे डालने से मेल्टिंग में ज़्यादा लॉस नहीं होता है। ईटिंग सोडा और बोरिक पाउडर सोने के हिसाब से डालना पड़ेगा आपको। ज़्यादा सोना है तो ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको। अब आप एक मेल्टिंग पॉट ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा सुहागा डाल लीजिए। अब आप ये सारा सोना इस मेल्टिंग पॉट में डाल लीजिए। मेल्टिंग शुरू करने से पहले सोने के ऊपर थोड़ा सा बोरिक पाउडर और डाल लीजिए। अब इस मेल्टिंग पॉट को कोई दूसरे मेल्टिंग पॉट से ढक लीजिए। ये करने से सारा सोना का पाउडर इसके अंदर ही रहेगा और लॉस भी कम होएगा। अब इसे हीट करना शुरू कर दीजिए। अब ऊपर वाला मेल्टिंग पॉट को हल्का सा खोल दीजिए ताकि मेल्टिंग जल्दी से हो जाए। अब इसे फिर से हीट करना शुरू कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा सुहागा डाल दीजिए। सुहागा डालने से सोना का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और अगर कोई भी इम्प्योरिटीज होने से उसे हटा देता है मेल्टिंग के समय। अब आप ऊपर वाला मेल्टिंग पॉट को हटा दीजिए। थोड़ा सा और सुहागा डाल लीजिए। अब आप कोई भी एक टूटा हुआ टुकड़ा मेल्टिंग पॉट का हीट कर लीजिए और उससे ये सोना को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप ये सोना को ताली में गिरा दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सोना गल गया है अच्छे से। अब आप ये सोने को पानी में डुबा लीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से। तो देखिए, ये रहा सोना मेल्टिंग करने के बाद। चलिए दोस्तों,
आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।